ऑल राइट दोस्तों, Xiaomi की तरफ से Xiaomi 14 7 मार्च को Flipkart पर लॉन्च हो चुका है। और आपको ये फ़ोन खरीदने से पहले मैं बता दूं कि ये फ़ोन हर किसी के बजट का नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 512 GB इसकी प्राइस है 70,000 रुपये। जी हाँ, 70,000 इस फोन की प्राइस है, एक ही वेरिएंट है। और अगर आपके पास ICICI HDFC का कोई कार्ड है तो आपको 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है, यानी कि 70,000 का 65,000 में आपको पड़ जाएगा। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये फ़ोन हर किसी के बजट का नहीं है। तो अगर आपका बजट 65,000 से 70,000 रुपये के बीच का है तो आपके लिए ये फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि डिस्प्ले के बारे में ही बात करें तो इसके अंदर 6.36 इंच की एक 1.5K रेजोल्यूशन वाली LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। 1.5K रेजोल्यूशन है, AMOLED डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो ऑब्वियसली डिस्प्ले का मजा तो काफी मजा आएगा। आप कोई भी वीडियो देखिए फुल HD के अंदर, अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके देखिए या फिर YouTube पर ऑनलाइन देखिए, आपको मजा पूरा पूरा आएगा। और साथ ही मैक्सिमम ब्राइटनेस दी गई है 3000 nits की। और प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर साइड में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिल जाएगी और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई है। तो मजबूती भी इस फोन के अंदर काफी भरपूर दी गई है। और साथ ही साथ 460 का PPI है, पिक्सल पर इंच ये पिक्सल डेंसिटी है, जो कि डिस्प्ले क्वालिटी को और ज्यादा अच्छी बनाती है। और परफॉर्मेंस के लिए इस फोन के अंदर अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। 4 नैनोमीटर पर काम करने वाला ये 5G प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। पबजी के अंदर आपको एक्सट्रीम सेटिंग के अंदर आप गेम खेल सकते हैं और लैग वगैरह भी शायद ही मुश्किल से कहीं देखने को मिलेगा। साथ ही LPDDR X 5 रैम और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइम देखने को मिलेगा। हाइपर OS आपको देखने को मिलेगा, जो कि Xiaomi का अपना MIUI से एक अपग्रेड वर्जन है। पहले MIUI OS दिया जाता था, लेकिन ये अब हाइपर OS दिया गया है। हाइपर OS थोड़ा अच्छा आपको एक्सपीरियंस दे देता है। साथ ही एंड्रॉयड 14 आपको देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के अंदर भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, और छोड़ेंगे भी कैसे, 70,000 प्राइस जो ले रहे हैं। वही फोटोज और वीडियोज के लिए भी कैमरा के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी है। तीनों ही कैमरा पीछे की तरफ आपको 50-50 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, वो सब आपको अच्छे खासे दिए गए हैं। तीनों ही कैमरा 50-50 मेगापिक्सल के हैं और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। पीछे के कैमरा से आप 8K के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से 4K के अंदर 60fps तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। और बैटरी इसके अंदर 4610 mAh की मिलती है, जिसको चार्ज करने के लिए 90W का चार्जर मिलता है। वायरलेस अगर आपको चार्ज करना है तो 50W की आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। अदर फीचर्स जैसे कि 3.5mm का हेडफोन जैक वो नहीं मिलेगा। IR ब्लास्टर मिल जाएगा, जो जिससे आप अपने स्मार्ट TV को, अपने AC को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फोन से ही। IP68 की रेटिंग मिल जाएगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, NFC का सपोर्ट मिल जाएगा, वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाएगा और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आपको देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स के अंदर आपको कोई कमी नहीं दी गई है, और जो भी सेंसर होने चाहिए एक फोन के अंदर, एक प्रीमियम फोन के अंदर, वो सब भर भर कर इस फोन के अंदर किए गए हैं। और अब सवाल आता है कि क्या इस फोन को खरीदना चाहिए। तो बेशक हाँ, खरीदना चाहिए। अगर आपका बजट 70,000 रुपए है तो हाँ, आप इस फोन को खरीद सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। 7 मार्च को ये फोन लॉन्च हो चुका है और अब अपनी जो सेल है इसकी वो 11 मार्च को है। तो 11 मार्च तक आप अपना डिसीजन बना लीजिए, आपको ये फोन खरीदना है या फिर नहीं।